नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के विषय हिंदी में इकाई 5 दोहे के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। हिंदी के मध्यकालीन कवि जो है कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे हैं। सबसे पहले हम विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारे जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहे में दानप्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तो बच्चों, यहाँ क्या है कि हिंदी के मध्यकालीन कवियों ने जीवन उपयोगी बातें जो इस दोहे के माध्यम में व्यक्त की है, उसमें कबीर, रहीम और तुलसीदास जो है उसका विशेष योगदान है। उनके दोहों में ज्ञान और नीति की बातें बताई गई है। प्रस्तुत दोहे में दानप्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम, उद्यम का महत्व बताया गया है। सबसे पहले है बच्चों कबीरदास। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि है। कबीर जो है वो 15वीं शताब्दी के कवि है। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं तो संत कबीर जो है वो 15वीं शताब्दी के कवि है और उन्होंने हिंदी और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा गया है और दोनों को हिल मिलकर रहने का कबीरदास ने उपदेश दिया है। दूसरा है रहीम। बच्चों, यहाँ हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कबीरदास से, यहाँ रहीम है। रहीम का पूरा नाम अबुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बहुत प्रद दोहे लिखे हैं। रहीमदास का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो अबुल रहीम खान खाना है। वो बड़ा उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने अनेक बहुत प्रद दोहे लिखे थे। तीसरा है तुलसीदास। तो चित्र के माध्यम से बच्चों हम देख सकते हैं रामचरितमानस जो है उन्होंने उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो तुलसीदास जो है बच्चों 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा था। तो यह कवि के परिचय के बारे में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो कबीर के दोहे। पहला दोहा है, साईं इतना दीजिए चामे कुटूं समय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बच्चों, यहाँ साईं शब्द, साईं यानि क्या होता है? ईश्वर, भगवान होता है। कुटुंब यानि परिवार होता है। समय यानि निर्वाह होना। तो इस पंक्ति में, इस दोहे में क्या कहा गया है बच्चों? तो हे प्रभु, साईं यानि प्रभु, हे प्रभु मुझे इतना धन दीजिए जिससे मेरे कुटुंब का निर्वाह हो सके, जिसमें मैं भी भूखा न रहूं और मेरे परिवार भी भूखा न रहे। मेरे द्वार पर आया साधु जो है वो भी कभी खाली हाथ न लौटे। बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हे प्रभु, साईं यानि प्रभु, हे प्रभु मुझे इतना धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का जीवन निर्वाह हो, जिसमें मैं और मेरा परिवार भूखा न रहे और मेरे द्वार पर आया जो साधु है वो भी कभी भूखा न लौटे। इतना धन हमें दीजिए। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है कबीर साईं से क्या मांगते हैं? तो कबीर साईं से इतना अन्न और धन मांगते हैं ताकि जीवन निर्वाह हो तथा उसके घर जो अतिथि आए यानि साधु आए उस साधु का भी सत्कार हो, यानि भूखा न जाए, इतना धन मांगते हैं।
आगे बच्चों देखो, यहाँ और भी ऐसा प्रश्न हो सकता है बच्चों के, कबीर साईं से क्या मांगता है, क्यों मांगता है? तो कबीर साईं से मांगते हैं कि मुझे इतना धन दीजिए जिससे मेरे कुटुंब का जीवन निर्वाह हो, मैं और मेरा परिवार भूखा न रहे, और मेरे घर जो आए साधु जो है वो भी कभी खाली हाथ न लौटे, इतना धन मुझे दीजिए। दूसरा है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। बिना विचारे यानि सोचे समझे बिना, पछताए यानि पछतावा करे, जग यानि दुनिया विश्व। तो बच्चों यहाँ इस दोहे में क्या कहा गया है कबीरदास ने कि बिना विचार किए, बिना विचार किए जो कार्य करते हैं उससे बाद में पछताना ही पड़ता है, उसका काम तो बिगड़ता ही है, लेकिन उस कार्य को करने वाले की भी जगत में हंसी होती है। एक बार फिर से बच्चों देख ले, बिना विचार किए जो कार्य करता है उससे बाद में पछताना पड़ता है, उसका अपना काम जो है वो काम तो बिगड़ता ही है, लेकिन उस कार्य को करने वाले की जगत में हंसी होती है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न होता है, जीवन में कौन पछताता है? तो जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है वो जीवन में पछताता है। यहाँ और भी प्रश्न होता है बच्चों, बिना सोचे समझे कार्य करने से क्या होता है? तो बिना सोचे समझे कार्य करने से पछताना पड़ता है, और यह कार्य ठीक से पूर्ण नहीं हो पाता, काम तो बिगड़ता है, काम बिगड़ने से जगत में हमारी हंसी होती है, हम मजाक का पात्र बन जाते हैं। आगे तीसरा दोहा है कबीरदास का, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। खैर यानी बच्चों क्या होता है, कुशलता। ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, काहूँ यानी बच्चों उर्दू शब्द दिया गया है, काहूँ यानी किसी से, किसी से ना दोस्ती है, किसी से उसकी बैर यानी दुश्मनी है। तो देखो बच्चों कबीरदास क्या कहता है, तो यहाँ कबीरदास जी बाजार में खड़े होकर ईश्वर से सबकी कुशलता मांगते हैं, उन्हें न किसी के साथ दोस्ती है न किसी के साथ दुश्मनी है। एक बार बच्चों फिर से देख लेते हैं कि कबीरदास बाजार में खड़े होकर सबसे ईश्वर से कुशलता मांगते हैं, क्योंकि कबीर को ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी है। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है, कबीर बाजार में खड़ा होकर क्या मांगते हैं, क्यों? तो कबीर बाजार में खड़ा होकर सबकी खैर मांगता है, क्योंकि उनको किसी के साथ दोस्ती नहीं है और किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। तो बच्चों हमने जो यह कबीरदास के तीन दोहे हैं, इस तीन दोहे के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए और सभी प्रश्नों भी अच्छी तरह से जान लिए। अब हम दूसरा है रहीम, रहीम के दोहे के बारे में देखेंगे। उसमें पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके, नर यानी मनुष्य, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मागन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। कहूँ यानी बच्चों क्या होता है, कहीं
मांगन जाए एट मांगने जाए। उनसे पहले वो मुए, मुए याने मरे हुए। जिन मुख निकसत नाही, जिन यानि जिनके, निकसत यानि बच्चों क्या होता है, निकलता है, मुख से निकलता है। तो देखो बच्चों, रहीम दास जी कहते हैं कि इन लोगों को मरा हुआ मानना चाहिए, इन लोगों को मरा हुआ मानना चाहिए जो कहीं मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन वे लोग तो उनसे पहले ही, वे लोग उनसे पहले ही मर चुके हैं जो मांगने के लिए जाते हैं, और उसे देने के लिए मना कर देते हैं, उसके मुँह से क्या हो जाता है, इनकार कर देते हैं। उससे क्या कहा जाता है, रहीमदास कहते हैं कि उससे पहले ही वह मर चुका है। बच्चों देखो यहाँ क्या कहा जाता है कि रहीमन वे नर मर चुके। रहीमदास जी कहते हैं कि इन लोगों को मरा हुआ मानना चाहिए, जे कहूँ मांगन जाए, जो कहीं मांगने के लिए जाते हैं, उनते पहले वे मुए, लेकिन वे लोग तो इन मांगने वालों से भी पहले मर चुके हैं, जिन मुख निकसत नहीं, जो उन्हें देने से इनकार करते हैं। बच्चों रहीमदास का पहला दोहा जो इसके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि इन लोगों को मरा हुआ मानना चाहिए जो मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे पहले जो मांगने जाते हैं और जिसे देने के लिए इनकार कर देते हैं, वो उनसे ही पहले मरा हुआ समान माना जाता है। यह बच्चा प्रश्न है कि रहीम किसे मरा हुआ मानते हैं, तो जो मांगने के लिए जाता है उसे रहीम मरा हुआ मानता है। और बच्चों यहाँ प्रश्न होता है, रहीम जो है, रहीमदास इस संसार में किसे मरा हुआ मानते हैं, क्यों? तो जो लोग अपना स्वमान भूलकर, जो लोग अपना स्वमान भूलकर कहीं मांगने के लिए जाते हैं, उन्हें रहीमदास मरा हुआ मानते हैं। परोपकार जो भाव है वही मनुष्य जीवन की पहचान है। जो मांगने के लिए जाता है और उसे देने के लिए जो इनकार कर देते हैं, उन्हें रहीमदास जी पहले से ही मरा हुआ समझते हैं। दूसरा दुआ है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत उसंग। उत्तम यानि बच्चों क्या होता है, श्रेष्ठ। प्रकृति यानि स्वभाव। कुसंग यानि बुरी संगति। चंदन विष व्यापत नहीं, विष यानि जहर, व्यापत यानि फैलाना। लिपटे रहत भुजंग, भुजंग यानि सर्फ, साफ होता है। तो बच्चों रहीमदास जी दूसरे दोहे में कहता है कि जो उत्तम प्रकृति के, जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य है, उस पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। कुसंग करी सकत कुसंग यानी बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार उदाहरण दिया गया है कि चंदन, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप जो है वो लिपट कर रहता है, फिर भी चंदन में विष जो है वो व्याप्त नहीं होता। बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य है, उसके ऊपर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप जो है वो हमेशा के लिए
लिपट कर ही रहता है, फिर भी चंदन के वृक्ष पर उसका विष जो है वो व्याप्त कभी नहीं होता है। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि चंदन के वृक्ष पर कौन रहता है, तो चंदन के वृक्ष पर सांप रहता है, सांप यानी भुजंग रहता है। तो यहाँ और प्रश्न होता है बच्चों कि चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं, तो बच्चों चंदन और सर्प के भुजंग के उदाहरण द्वारा हमें रहीमदास क्या समझाते हैं, तो चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि भुजंग हमेशा चंदन के वृक्ष पर लिपट कर रहता है, फिर भी चंदन अपनी शीतलता कभी नहीं छोड़ती है, इस प्रकार भुजंग के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार उत्तम प्रकृति वाले मनुष्य के साथ अगर बुरी संगति वाला मनुष्य मिल भी जाए फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार बच्चों फिर से देख लेते हैं कि चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि भुजंग हमेशा चंदन के वृक्ष पर लिपट कर रहता है, फिर भी चंदन कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है, उस पर भुजंग का विष जो है वो विष का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम प्रकृति वाले मनुष्य के साथ अगर बुरी संगति वाला मनुष्य मिल भी जाए फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। रहीम का तीसरा दुआ है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। यहाँ बच्चों बताया गया है बड़ा यानी बड़प्पन, यहाँ है मोल यानी मूल्य होता है। तो इस दोहे में रहीमदास जी क्या कहता है कि बड़े जो लोग हैं वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते हैं, बड़े लोग अपनी बड़ाई कभी नहीं करते हैं, ना ही वह बड़े बड़ी बातें करते हैं, न बोले बड़े बड़े न बोले यानी न ही वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कभी नहीं यह कहता कि मेरा मूल्य जो है मोल यानी मूल्य लाख रुपया है। एक बार बच्चों देख लेते हैं, बड़े लोग अपनी बड़ाई कभी नहीं करते, बड़े लोग ना ही वह बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा जो है वो हीरा यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य जो है मूल्य लाख रुपया है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न होता है बड़े लोग क्या नहीं करते हैं, तो बड़े लोग अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, और हीरा जो है वो हीरा क्या कहता है, तो हीरा के उदाहरण द्वारा हमें रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा लाख रुपये से बिकता है फिर भी वह अपना मूल्य कभी नहीं बताता है। इसी प्रकार बड़े लोग जो है वो बड़े लोग अपनी बड़ाई कभी नहीं बताते हैं, वह बड़े बड़े बोल भी नहीं बोलते हैं। यह प्रश्न बच्चों हो सकता है हीरा के माध्यम द्वारा रहीमदास ने हमें क्या सीख दी है, तो हीरा के माध्यम द्वारा हमें रहीमदास ने सीख दी है कि हीरा जो है वो लाख रुपये से बिकता है फिर भी वह हीरा कभी नहीं कहता कि मैं लाख रुपये से बिक रहा हूँ। इसी प्रकार बड़े लोग जो है वो बहुत ही बड़े होते हैं फिर भी अपनी बड़ाई कभी नहीं करते और बड़े बड़े बोल भी नहीं बोलते हैं। यहाँ और भी प्रश्न होता है कि रहीम बड़े लोग की क्या विशेषता बताते हैं,
रहीम बड़े लोगों की यह विशेषता बताते हैं कि वे कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, बड़े बड़े अपने मुख से अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते, वे विनम्र और कम बोलने वाले होते हैं। तो बच्चों, हमने यह रहीम के 3 दोहे हैं उसके बारे में भी समझ लिया। अब हम तुलसीदास के जो दोहे हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला दोहा है, आवत ही यह हर्षे नहीं, ही यने हृदय, हर्ष यने खुशी, नैन नहीं स्नेह, नैन यने आँखें होते हैं, स्नेह यने स्नेह प्रेम, तुलसी वहाँ ना जाए ये कंचन बरसे मेघ। यहाँ कंचन यने बच्चों होता है सोना, मेघ यने मेह होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे घर कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने पर सामने वाले के हृदय में खुशी ना हो, उसकी आँखों में प्रेम ना हो, भले उसके घर सोने की भी वर्षा हो, लेकिन हमें उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए। बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें ऐसे घर कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने पर सामने वाले के हृदय में खुशी न हो, उसकी आँखों में प्रेम न हो, भले ही इस घर में सोने की वर्षा हो, लेकिन हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है कि तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते हैं। तो तुलसीदास इस व्यक्ति के घर जाना नहीं चाहते हैं जो खुशी से घर पर आए मेहमान का आदर करे, आदर न करे, उसके हृदय में प्रसन्नता न हो और आँखों में प्रेम न हो, बहुत अमीर हो, लेकिन यदि मेहमान को देखकर वह खुश नहीं होता तो उसके घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। क्या है बच्चों के तुलसीदास इस व्यक्ति को घर नहीं जाना चाहते हैं जो खुशी से घर आए मेहमान को देखकर उसका आदर न करे, उसके हृदय में खुशी न हो, उसकी आँखों में प्रेम न हो, वह बहुत ही अमीर हो, लेकिन यदि मेहमान को देखकर वह खुश नहीं होता तो हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए। दूसरा है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। उद्यम यानी बच्चों क्या होता है, परिश्रम होता है। बिना डुलाए न मिले जो पंखा के पौन, तो बिना डुलाए यानी हिलाए न मिले जो पंखा के पौन, पौन यानी बच्चों क्या होता है, पवन यानी हवा होता है। तो इस पंक्ति में यानी इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि बिना पंखे को, यहाँ दूसरी पंक्ति है बच्चों, पहले लेना है कि बिना पंखे को हिलाए बिना उसकी हवा भी हमें नहीं मिलती है, तो बताओ बिना मेहनत किए विद्या धन जो है कौन पा सकता है। बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना पंखे को हिलाए बिना उसकी हवा भी, बिना पंखे को हिलाए बिना पंखे की हवा भी नहीं मिलती, तो बताओ बिना मेहनत किए, उद्यम यानि परिश्रम मेहनत, बिना मेहनत किए विद्या धन कौन पा सकता है। यह बच्चों प्रश्न है कि उद्यम करने से किसकी प्राप्ति होती है। तो उद्यम करने से विद्या धन की प्राप्ति होती है। और बच्चों, यहाँ पंखे के उदाहरण द्वारा
तुलसीदास ने हमें क्या सीख दी है? तो पंखे के उदाहरण द्वारा तुलसीदास ने हमें सीख दी है कि बिना पंखे को हिलाए बिना पंखे की हवा भी नहीं मिलती है, तो ऐसा तो कौन है जिसे मेहनत किए बिना विद्या धन की प्राप्ति होती है, यानी मेहनत करने से ही हमें विद्या धन की प्राप्ति होती है, ऐसे ही हमें विद्या धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ तुलसीदास के जो दोहे हैं इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम दोहे के अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रश्न एक है, शिक्षक की सहायता से दोहे का भावपूर्ण गान कीजिए। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इस शब्द को अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है। सबसे पहले हम उद्यम, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। वाक्य है, उद्यम करने से विद्या मिलती है। दूसरा है प्रकृति, प्रकृति यानी क्या होता है? स्वभाव। हर मनुष्य के प्रकृति अलग होती है। तीसरा है खैर, खैर यानि कुशलता। वाक्य है, भगवान सबकी खैर करे। चौथा है कुसंग, कुसंग यानि बुरी संगति, खराब संगति। वाक्य है, हमें कुसंग से बचना चाहिए। पांचवा है कंचन यानि सोना, कंचन मूल्यवान होता है। आगे है जप माला, जप माला जप करने की माला। वाक्य बनता है, भक्त के पास जप माला होती है। आगे सातवा है दुख, दुख यानी बच्चों कष्ट होता है। वाक्य है, मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। आठवा है भुजंग, भुजंग यानी सर्प सांप होता है। वाक्य है, जंगल में भुजंग दिखाई देते हैं। नौवा है हर्ष, हर्ष यानि खुश हो। वाक्य है, जो लोग हमें देखकर हर्ष नहीं उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों इसी प्रकार ये शब्द का अर्थ देना है, अर्थ देकर उसको वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न तीन है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहते हैं? क्या है बच्चों कि यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए तो आप क्या मांगना चाहते हैं? तो यदि भगवान, उत्तर है, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं भगवान से विश्व में शांति और एकता की स्थापना करने के लिए कहूँगी। विश्व में कभी युद्ध न हो, सारा विश्व जो है वो एक परिवार तरह मिलजुल कर रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, यानी भगवान से मांगूंगी। दूसरा है अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है? तो अच्छे व्यक्ति की संगति से हमें क्या लाभ हो सकता है उसके बारे में लिखना है। तो बच्चों उत्तर है, अच्छे व्यक्ति की संगति से हमें कई लाभ हो सकते हैं। हम अच्छे व्यक्ति की संगति के कारण गलत रास्ते पर कभी नहीं जा सकते हैं। यदि हम कुमार्ग पर जाए तो वह हमें रोकता है, यानी रोकती है। हमारे अंदर वह विवेक और कर्तव्य बुद्धि जगाती है, हमारे अवगुण दूर करती है और बुराई से हमें बचाती है। प्रश्न तीन है, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? तो बच्चों लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आज आडंबर कर रहे हैं वो लिखना है। तो उत्तर है, लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं बच्चों? तो तिलक लगाते हैं, जप माला धारण करते हैं, धर्म का डर दिखाकर वे लोगों को लूटते हैं और पशु को, प्रभु को पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। प्रश्न चार है, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तो बच्चों उत्तर है, लोग आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण।
आलसी होने के कारण या किसी अन्य मजबूरी के कारण भीख मांगते हैं। भीख क्यों मांगते हैं बच्चों? तो गरीब होने पर, आलसी होने पर या किसी अन्य मजबूरी हो तो इसीलिए वह भीख मांगते हैं। बच्चों हमने अभ्यास के प्रश्न देख लिए, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो उत्तर है, कबीर साईं से मांगते हैं कि मुझे इतना धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का जीवन निर्वाह हो जाए, मुझे और मेरे परिवार को भूखा न रहना पड़े, साथ ही मेरे दरवाजे पर आया साधु भी खाली हाथ न लौटे। इतना धन मुझे दीजिए। प्रश्न दो है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? उत्तर है, बिना सोचे कार्य करने से पछताना पड़ता है, वह कार्य ठीक से पूर्ण नहीं हो पाता है, काम बिगड़ता है, काम बिगड़ने से जगत में हमारी हंसी होती है, हम मजाक के पात्र बन जाते हैं। प्रश्न तीन है, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? तो उत्तर है बच्चों, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि भुजंग हमेशा चंदन के वृक्ष पर लिपटा रहता है, फिर भी चंदन कभी अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, उस पर भुजंग के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार उत्तम प्रकृति वाले मनुष्य के ऊपर कभी बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न चार है, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? उत्तर है, रहीम बड़े लोगों की यह विशेषता बताते हैं कि वे कभी अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, वे अपने मुख से अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, वे विनम्र और कम बोलने वाले होते हैं। प्रश्न पांचवा है, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? उत्तर है, तुलसीदास इस व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहते जो खुशी से घर पर आए मेहमान का आदर न करे, उसके हृदय में प्रसन्नता न हो और आँखों में प्रेम न दिखाई दे। वह बहुत अमीर भले ही हो पर यदि मेहमान को देखकर वह खुश नहीं होता तो वह हमें उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए। प्रश्न दो है, इस इकाई के दोहे से आप कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? तो यहाँ बच्चों क्या है, क्या हम इस इकाई के दोहे से आप कौन कौन से सद्गुण जो है वो सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? तो इस इकाई के दोहे से मैं संतोष, दानप्रियता, समानता, विनम्रता, प्रेम, परिश्रम, अच्छी संगति आदि सद्गुण जो है वो सद्गुण ग्रहण कर सकती हूँ। प्रश्न तीन है, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियाँ का निर्माण कीजिए। तो बच्चों यहाँ क्या करना है, पहेलियाँ बनानी है। सबसे पहला है तोता, तो चोंच लाल और रंग हरा, चोंच लाल और रंग हरा, मिर्च अमृत खूब भाए, सीताराम सीताराम बोलू मैं, शीघ्र ही मेरा नाम बताए। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना है, हमें पहेलियाँ का निर्माण करना है। तो क्या है, तोता। दूसरा है पतंग, तो पंख नहीं फिर भी उड़ती में, आसमान को छूती में, यदि डोर कट जाती तो धरती पर आ गिरती। तो बच्चों कौन है, तो पतंग। तीसरा है चिड़िया, तो सुबह का स्वागत में करती, वातावरण में संगीत भरती, कभी न मैं किसी से डरती, उड़कर आसमान सर करती हूँ। तो बच्चों क्या है, चींटियाँ। तो
तो इसी प्रकार हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पहेलियों का निर्माण करना है। उसके आगे क्या है बच्चों, पुनरावर्तन एक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। अपने मित्रों को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। तो यहाँ क्या करना है बच्चों, अपने मित्र जो है, इस मित्र को निबंध लेखन में प्रतियोगिता में प्रथम आने पर उसे क्या करना है, बधाई देता हुआ पत्र लिखना है। तो बच्चों यहाँ हम लिख सकते हैं, तो 35 सत्यनारायण सोसाइटी पूणा गांव सूरत, उसके बाद नीचे लिख सकते हैं बच्चों दिनांक, तो दिनांक 31/1/2021। यहाँ लिख सकते हैं प्रिय सखी यानी प्रिय मित्र रोही, सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि निबंध लेखन के प्रतियोगिता में तुम्हारा प्रथम क्रमांक आया। निबंध लिखना बहुत ही कठिन कार्य है, अपने विचारों और कल्पना को लेखन द्वारा जो सही तरीके से अभिव्यक्त कर सकती है वही अच्छा निबंध लिख सकता है। तुम्हारे अंदर यह क्षमता है, तुम्हें मैं निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई देती हूँ, तुम ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, मैं चाहती हूँ कि तुम हर क्षेत्र में प्रथम आओ, तुम्हारी सखी, अपना नाम लिखना। तो बच्चों इसी प्रकार हमें बधाई देता हुआ पत्र यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न दो है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ लिंग परिवर्तन शब्द दिए गए हैं, इस शब्द को बच्चों क्या करना है, लिंग परिवर्तन करना है। यहाँ दास है और दास का क्या होगा, दासी, उसके बाद यह वाक्य लिखना है। तो वाक्य है, मेरा कृष्ण की दासी बनना चाहती थी। दूसरा है धोबी, धोबी यानी धोबन, वाक्य है धोबन मेरे घर से कपड़े ले गई। तीसरा है स्वामी, स्वामी यानि स्वामिनी, वाक्य है राधिका स्वामिनी बनकर जी रही थी। चौथा है विद्वान यानि विदुषी, वाक्य है प्राचीन काल में गार्गी महान विदुषी के रूप में प्रसिद्ध थी। पांचवा है बाबू यानि बबुआई, वाक्य है बबुआइन बाबू के साथ घूमने गई। छठा है बूढ़ा यानि बुढ़िया, वाक्य है बुढ़िया का पैर फिसल गया। सातवां है शेर यानि शेरनी, वाक्य बनता है बच्चों शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। आठवां है पंडित यानि पंडिताइन, वाक्य है पंडिताइन अपने गृहस्थी की किसी तरह चला रही थी। नौवां है भैंस, भैंस यानी क्या होता है, भैंसा, वाक्य है जंगली भैंसा बहुत ताकतवर होता है। दसवां है लेखक यानी लेखिका, वाक्य है महादेवी वर्मा अच्छी लेखिका थी। तो बच्चों इसी प्रकार लिंग परिवर्तन करके क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। आगे है प्रश्न तीन, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है गमला, तो वचन परिवर्तन करना है बच्चों, एक वचन का बहुवचन हो सकता है, गमला यानि गमले होता है। वाक्य है बगीचे में फूलों के कई गमले थे, गमला एक वचन है, गमले बहुवचन है। उसके बाद माला यानि मालाएँ होता है, वाक्य है रोहन ने फूलों की माला बनाई। तीसरा है कहानी यानी कहानियाँ, दादी मुझे कहानियाँ सुनाती है। चौथा है तिथि, तिथि यानी तिथिया, वाक्य है पंचांग में तिथिया देखना सबको नहीं आता। पांचवा है डिबिया, डिबिया यानी डिब्बिया होता है, तो वाक्य बनता है दुकान में रंग बिरंगी डिब्बिया पड़ी थी। छठा है चूड़ी, चूड़ी यानी चूड़िया, वाक्य है शालिनी के हाथों में चूड़िया सुंदर लग रही थी। सातवां है सहेली, तो सहेलिया, प्राची और उसकी सहेलियां फिल्म देखने गई।
आठवां है सेना यानी सेनाई, वाक्य है सेनाई युद्ध में भेजी जाती है। नौवां है चीज, चीज यानी चीजें, वाक्य है पूंजा ने खाने की चीजें खरीदी। दसवां है वस्तु यानी वस्तुएं, वाक्य है प्रियंका के पिटारे में अनेक वस्तुएं पड़ी है। तो बच्चों इसी प्रकार वचन बदलकर शब्द लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न चार है निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी उनकी सूची तैयार कीजिए। पहला इकाई चार कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारे जीवन में जो उतारने वाली जो बातें हैं वो बातें कौन कौन सी है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई से, तो यहाँ है लाल बहादुर शास्त्री का देश प्रेम, दूसरा है शास्त्री जी की निष्ठा, तीसरा शास्त्री जी का आस्था और समर्पण के साथ कार्य करना, चौथा है ग्रामीण जीवन के अनुभव का जन सेवा में उपयोग, पांचवा है अपने को जनता का सेवक समझना। तो बच्चों इसी प्रकार कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई से हमें यह बातें जो है वो हमारे जीवन में उतरने जैसी लगती है। इकाई तीन है मत बांटो इंसान को। इस इकाई से कौन कौन सी जो बातें अच्छी लगी है उसके बारे में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पहले है तो सभी को समान समझना चाहिए, दूसरा है मिलजुल कर बंधुत्व की भावना से रहना चाहिए, तीसरा है मनुष्य मनुष्य के बीच भेद मिटाना चाहिए, चौथा है राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, पांचवा है वसुदेव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। तो बच्चों इसी प्रकार वह हमारे जीवन में उतारने जैसी यह बातें जो है वो बातें हम इस इकाई के माध्यम से जान सकते हैं। आगे है कुछ राष्ट्रीय नेता के जीवन और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय का उपयोग करके हस्तलिखित अंक तैयार करना है। तो बच्चों यहाँ जो पुनरावर्तन एक जो है उसके बारे में भी सभी प्रश्नों के बारे में हमें अच्छी तरह समझ लिया। तो बच्चों यहाँ हम इकाई पाँच जो है दोहा कबीर रहीम तुलसीदास के दोहे के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया और अभ्यास स्वाध्याय के सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ लिए। तो सभी प्रश्नों नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।